आरपीआई नेता रामदास अठावले ने महाराष्ट्र संकट पर टीवी 9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत की है। टीवी 9 भारतवर्ष की संवाददाता सुमेरा खान से बातचीत में अठावले ने कहा है कि अभी और पिक्चर क्लियर होना बाकी है। सुनिए उनकी पूरी बातचीत। उनके पास इतने एमएलए आ गए, 2/3 एमएलए आ गए है, तो इसलिए मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से बात करूंगा कि सरकार जल्दी जल्दी बनाने की आवश्यकता है। एकनाथ शिंदे जी का सपोर्ट लेकर सरकार बनानी चाहिए, एकनाथ शिंदे जी से बात करनी चाहिए। एकनाथ शिंदे जी ने भी मतलब देवेंद्र फडणवीस जी से बीजेपी से बात करनी चाहिए। मैंने ये माननीय जेपी नड्डा साहब से भी बोला है कि भाई महाराष्ट्र की स्थिति अभी ऐसी हालत अभी है, तो इस वक्त हम सरकार बना सकते हैं, तो जरूर क्या हो सकता है कि हमने देखेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो कल मैं देवेंद्र फडणवीस यही बात करने वाला हूँ कि जल्दी जल्दी अपनी सरकार आनी चाहिए महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र के हित के लिए, क्योंकि 2.5 साल में इन्होंने खाली बीजेपी पर अटैक करना और आपस में झगड़ा करना यही काम इन लोगों ने किया है, और इसीलिए इतनी नाराजगी शिवसेना के एमएलए में मतलब हो गई। नड्डा जी ने भी ये कहा कि हाँ वो भी सोचेंगे इसके बारे में जल्द से जल्द, ऐसा होना चाहिए कि सरकार बनाने की कोशिश। नहीं नहीं, उन्होंने बोला कि भाई अभी तो पिक्चर जब क्लियर हो जाएगा, जब एकनाथ शिंदे जी हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार होगी, तो बीजेपी विचार कर सकती है। और बागी विधायकों के खिलाफ शिव सैनिकों में गुस्सा है। शिव सैनिक के आक्रोश के चलते अलर्ट पर है महाराष्ट्र पुलिस। कल मुंबई में हुई थी तोड़फोड़, बागियों के पाड़े गए थे पोस्टर। महाराष्ट्र की सत्ता का संग्राम आने वाले दिनों में सड़क पर दिख सकता है। शिवसैनिक सड़क पर उतर सकते हैं, इसे लेकर पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के सभी पुलिस थानों, खासकर मुंबई के पुलिस थानों को महाराष्ट्र डीजीपी ने अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट के विधायक मंगेश कुडालकर के दफ्तर पर हमला किया गया। मुंबई के कुर्ला इलाके में कुछ शिव सैनिकों ने मंगेश कुडालकर के तस्वीर वाले होर्डिंग्स को तोड़ डाला। शिव सैनिकों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। गुवाहाटी पहुंचे शिवसेना विधायक दिलीप लांडे के पोस्टर को भी शिव सैनिकों ने फाड़ डाला। कई जगहों पर तोड़ फोड़ भी की गई। शिव सैनिक लगातार उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के पास जमा हो रहे हैं। आपको सबको मालूम है एकनाथ शिंदे क्या था? एक ऑटो चालक था, ऑटो चालक, ऑटो ड्राइवर। उसको शिवसेना ने क्या नहीं दिया? जमीन से लेकर आसमान तक उठाया उनको, और उन्होंने शिवसेना को क्या दिया? गद्दारी दी। जो एकनाथ है, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि एक था नाथ, एक था नाथ, ऐसे उनकी नौबत आ जाएंगे, यही मेरा कहना है।